हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुचिस रेसिपीज एंड ब्लॉग्स। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मीठी पूरी की रेसिपी या मीठे बताशे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैदा छानने वाली छन्नी ले लेते हैं और इसमें आधा कप आटा डाल देते हैं। आटे की जगह आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे आटे से ही बनाया है, तो हमने इसमें आधा कप आटा डाल दिया है और आधा कप ही रवा या सूजी डाल देते हैं। यानी कि जितना आप आटा लेते हैं उतना ही आपको सूजी ही लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर 1/4 चम्मच नमक डाल देते हैं और 1 पिंच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। बेकिंग पाउडर इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना डालें और इसे अच्छी तरह स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी ऑयल मिक्स हमें नहीं करना है। और इसे मिक्स करने के बाद एक हम बड़ा सा बाउल लेंगे और उस बाउल में इस आटे को शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अब हमें इसका एक डो तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा हम नॉर्मल पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, क्योंकि रवा काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करती है, काफ़ी पानी पीती है, तो हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसके बाद हमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है और इसे हम एक गीले कपड़े से कवर कर देते हैं और 1 घंटे के लिए सेट होने रख देते हैं। आप चाहें तो इसे पहले भी या आधे घंटे पर बना सकते हैं। अब ये आटा अच्छी तरह सेट हो चुका है, तो हम प्लेट हटाते हैं और थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे प्लेट में। तो इस आटे को हमें अच्छी तरह से मसलना है। जितनी अच्छी तरह आप मसलेंगे उतनी ही अच्छी पूरियां बनेंगी, तो हमें इसे खूब अच्छी तरह से मसल लेना है कुछ इस तरह से, और इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। जैसे हम रोटी के बनाते हैं उसी साइज़ की हमें लोइयां तोड़ लेनी है। इसे बेलने के लिए पतली बेलन का यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से। इसे बहुत अच्छी तरह से बेल जाता है और हम बेलना शुरू करते हैं बिना आटा या मैदा लगाए हुए। इसे हम बेलेंगे क्योंकि आटा लगाने से फ्राई करते समय पूरा ऑयल ख़राब हो जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो इसे हम बिना तेल लगाए या बिना आटा लगाए ही बेल लेंगे। इसे हमें बहुत पतला भी नहीं बेलना है, मोटा तो बिल्कुल भी नहीं बेलना है। बहुत पतला बेलने से इसकी पापड़ी बन जाएंगी। इसे कट करने के लिए इस तरह से हमने कैप का यूज़ किया है, तो कैप को ले लेंगे और उसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे हम कट कर लेंगे। पूरी पूरी को इसी तरह से हम कट कर लेंगे। अगर आपके पास कुकीज कटर हो तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। कट का मार्ग लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम हटा लेंगे, बहुत संभालते हुए हमें हटाना है। अब ये हमारी पूरियां बनके तैयार हो गई हैं, तो इसे हम गीले कपड़े में शिफ्ट कर देंगे, इसे सूखने ना पाए, और ऊपर से भी एक दूसरे गीले कपड़े से इसे कवर कर देंगे। इसी तरह से हमें सारी पूरियां बना लेनी है। इन पूरियों को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल गरम कर लिया है, तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल हमें नहीं करना है, वरना पूरियां ऊपर से तो रेड हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही गरम करें और लो फ्लेम पर फिर कर दें और इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से सारी पूरियों को हमें फ्राई करना है। यानी कि शुरू में हमें थोड़ा हल्की गर्म आँच रखनी है और बाद में बिल्कुल लो पर कर देना है और इसे हम अलटते पलटते जाएंगे। इसी तरह से हमें लाइट पिंक कलर में इसे फ्राई कर लेना है और इसी तरह से बाकी सारी पूड़ियों को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो अब हमने और भी बाकी पूड़ियों को अपने हाथ में सेट कर लिया है, जिससे फटाफट पूड़ियों को हम डाल सकते हैं। तो अब इसे डालने के बाद कलछुल से थोड़ा सा हमें प्रेस करना है, थोड़ा सा दबाना है और उसके बाद तुरंत हमें पलट देना है और लो फ्लेम पर कर देंगे हम गैस को और इसे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ फिलिंग बनाने के लिए हमने 3 से 4 आलू बॉइल्ड आलू को मैश कर लिया और उसमें थोड़े से नमक डाल देते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब एक पूरी को लेते हैं और उसे हमें बीच से होल कर देना है, यानी कि उसे हम तोड़ देंगे थोड़ा सा और इसमें आलू को फिल कर लेते हैं। ये चटपटे से आलू बहुत टेस्टी लगते हैं, तो इसी तरह से सारी पूड़ियों को हम पहले बीच से होल कर लेंगे और उसके बाद इन आलुओं को हम
फिल कर लेते हैं। आलू फिल करने के बाद हमने दही को थोड़ा सा विस्कर की हेल्प से विस्क कर लिया है, या आप स्पून की हेल्प से भी ले सकते हैं, और दही को फिल कर लेते हैं। थोड़ा सा थिक दही हमें फिल करना है। और इसके बाद हम इमली की चटनी ले लेंगे। चटपटी सी चटनी बहुत टेस्टी लगती है, तो इमली की चटनी आप ज़रूर यूज़ करें, उसे फिल कर लेंगे। इसके बाद टमाटर और धनिया की चटनी जो हम बनाते ही हैं नॉर्मली अपने घरों में, उसे डाल देते हैं। और यहाँ पर हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देंगे, चटपटा तीखापन इसी से आता है। इसके बाद भुजिया थोड़ा सा गार्निश करने के लिए हरा धनिया और थोड़ी सी भुजिया डाल देंगे। इसके बाद हमें थोड़ा सा चटनी, थोड़ा सा दही और चटनी गार्निश के लिए फिर से डाल देते हैं, जिससे चटपटापन इसका और बढ़ जाएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।